अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं जी प्यारे बच्चों। आज है पेज नंबर 42। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो पहले वाला टॉपिक था वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि लफ्ज़ के आखिरी हरफा ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर या दो पेश हो तो वक्त में क्या करेंगे, इसको साकिन कर देंगे। वेरी गुड। अब देखें, आखिरी हरफा वक्फ़ करते हुए कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर आखिरी हरफ़ मदा या हरूफ लीन में से हो, आखिरी हरफा खड़ी हरकत हो, आखिरी हरफ पहले से साकिन हो, ठीक है। उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखें, हाँ के ऊपर खड़ी हरकत है और अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मदा हो रहा है, तो हरूफ मदा वक्फ़ में नहीं चेंज होते, हरूफ मदा वक्फ़ में हरूफ मदा ही रहते हैं, ठीक है। हा ज़िकड़ी वक्फ़ में कौलू वक्फ़ में कौलू। देखा आपने, हरूफ़ मदा जो है वो वक्फ़ में भी हरूफ़ मदा ही रहेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।